हेलो, मैं यहाँ पे रीगर का कोर्स को डिस्क्राइब करना चाहता हूँ। टाटा स्टील में रीगर में जो स्किल असेसमेंट होता है उसके लिए एक टाटा स्टील जे एन टी वी टी कोर्स ने बनाया है, जिस कोर्स के ऊपर मैं एग्ज़ाम होता है रीगर का स्किल असेसमेंट होता है, जो पास करने से गेट पास बनता है। वो टाटा स्टील में मेंटेनेंस में काम करने के लिए कंपलसरी है। उसका कोर्स क्या है, उसका कोर्स का जो टॉपिक है रीगर का सेफ्टी, जनरल सेफ्टी होता है। उसके बाद उसका जो नेक्स्ट टॉपिक है नॉट्स एंड हिंच, यानी गिट्ठा एंड फांस, वो जानना ज़रूरी है। रोप के बारे में जानना ज़रूरी है, रोप कितना तरह का होता है, रोप का क्या क्या अच्छाई है, कौन सा रोप का खराबी है। वायर रोप और सीलिंग के बीच में जानना ज़रूरी है। चैन ब्लॉक के बारे में जानना ज़रूरी है, और जो लिफ्टिंग इक्विपमेंट सब के बारे में जानना ज़रूरी है। डी साइकिल, जैसे डी साइकिल, पो साइकिल, ना टर्न बॉकल, हुक, ना विंच मशीन वगैरह वगैरह, जैक्स, है ना। और उसके बाद लास्ट क्या है कि UOT क्रेन के हैंड सिग्नल के बारे में जानना ज़रूरी है। हम नेक्स्ट स्लाइड में कुछ टॉपिक सब बताएंगे आपको। ये रहा, ये 14 का 14 नॉट्स एंड हिंच है, यानी गिट्ठा गोंठी आउ फांसो 14टा अच्छी मु ना कह दोची। प्रैक्टिकली गोटे वीडियो रे मु कौन कौन सब अच्छी गोटे गोटे करके देखेबी। पहला जो है इसमें ग्रेनी नॉट्स होता है, वो इंडस्ट्री में यूज नहीं होता है। दूसरा जो है रीप नॉट है। तीसरा जो है 1/2 2/2 है। चौथा जो है क्लेब, उसी को नाक फांस बोलते हैं, उसी को फांसो कहा जाए। अला उसके बाद पांचवा जो है उसको इमरजेंसी यानी झंडा बोलते हैं। झंडा जो पथ का उच्चारण कर, पथ का जो झूला जाए ताको खींची ले रही जाए, ताको इमरजेंसी यानी झंडा वाला घंटी का कुआ जाए। तापर सेफ्टी, आगे जमाने रे सेफ्टी बेल्ट यूज कर ला बड़े, वो हुक कौन होते सेफ्टी बेल्ट रे से जो यूज करूँ वो लाइन, ताको वो लाइन कुआ जाए। सेफ्टी लाइन, सेफ्टी को सेफ्टी घंटीटा को बो लाइन कहा जाए। तापर अच्छी सिंगल बो, तापर 8 नंबरटा अच्छी डबल बो, तापर 9 नंबरटा कदम, तापर 10 नंबर सीढ़ी, तो उसके बाद टिम्बर, उसके बाद 12 नंबर बोतल, चेन और सिप सैक। इतना सारा सब कुछ यूज नहीं होता है। ये 5-6 चीज़ बहुत, 8 तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दूसरा रीफ नॉट, 1/2 2/2, क्लेव, एमरजेंसी, सेफ्टी, सिंगल बो, डबल बो, कदम, कदम के बाद बस कदम तक जरूरी है। नेक्स्ट, ये रोप के बारे में टॉपिक क्या है, कितना तरह का रोप होता है। रोप 3 तरह का है, मनीला, सीसल और नाइलन रोप। मनीला सीसल रोप जो है ये प्रैक्टिकल रोप है, ये प्रैक्टिकल रोप है, ये सॉरी मनीला सीसल रोप जो है ये नेचुरल रोप है। ये नेचुरल रोप गज के पेड़ के चेर से बनता है। गज के पेड़ के छिलके से बनता है, जैसे पीपी खड़ी वगैरह होता है उससे बनता है। नेचुरल है। नायलॉन क्या है, ये प्लास्टिक का पीपी रोप होता है। ये मरीना सीजल जो है ये नेचुरल है, ये नायलॉन क्या प्राकृतिक है। मरीना सीजल जो है क्या है, ये हॉट जगह में यूज़ हो सकता है, लेकिन पानी जहाँ रहेगा वो नहीं यूज़ हो सकता, पानी में वो सड़ जाएगा। उसी तरह से नायलॉन जो है पानी में यूज़ हो सकता है, लेकिन हॉट जगह में नहीं होगा, पिघल जाएगा। ये इसका रोप का हो गया आपका। दूसरा, हमें पुली में कोई चीज़ माल झुलाते हैं, अगर 1/2 इंची का रस्सी है, 1/2 इंची का रोप है, तो 1/2 इंची का रोप का कैपेसिटी कितना है, 110 किलो। इस तरह से माल अगर झूलेगा तो रस्सी का कैपेसिटी होगा 110 किलो। दूसरा दूसरा जो ये पुली में ये वाला है, दूसरा जो पुली में ये वाला है, पहला ये था, दूसरा जो पुली में ये वाला है, इसका क्या है, 100 किलो का, अगर 100 किलो का माल अगर झूला हुआ है तो रस्सी में कितना किलो वज़न पड़ेगा, यहाँ पे 100 किलो। अगर घूम के यहाँ पे रस्सी में कितना किलो वज़न पड़ेगा, 100 किलो। ये आदमी जब खींचेगा उसको कितना किलो वज़न खींचना पड़ेगा, 100 किलो, ठीक है। पुली का कितना तो नाम है, ये है पुली का कितना तो नाम है, उसका नाम पुली ब्लॉक है, स्लिप ब्लॉक है, स्नैच ब्लॉक है, उसी को बोलते हैं रस्सा कुप्पा। उसके बाद कुछ लिफ्टिंग टूल सब है, जैसे ये डी साइकिल, ये बो साइकिल, ये यू क्लैम्प, दो सीलिंग को जोड़ने के लिए यूज होता है। ये क्या है, हुक है। ये क्या है,
आई बोल्ट है जो कि मोटर वगैरह उठाने में यूज़ करते हैं। मोटर में पहले से बोल्ट रहता है, बोल्ट का ये रहता है, तो उसमें इसको लगा के उसको माल उठाते हैं। ये क्या है, टर्न बकल, लास्ट वाला ये वाला टर्न बकल है, ठीक है। दूसरा वही, मैं फिर से वही पुली और उसका अरेंजमेंट बता रहा हूँ। अगर ये 100 किलो में माल झूल रहा है तो यहाँ पे रस्सी पे कितना किलो का वजन पड़ेगा, 100 किलो का रस्सी, जैसे भी घूम के एक ही रस्सी होगा तो उसमें भी वही 100 किलो का इस तरफ होगा। आदमी कितना का वजन से खींचेगा, 100 किलो का। अगर 100 किलो का माल है तो आदमी को कितना किलो का ताकत लगाना पड़ेगा, 100 किलो का। तो ये पुली में क्या था, एक तो सिंगल पुली था, यहाँ पर क्या है डबल पुली। ये इस पॉइंट पे फिक्स किया गया, वह सीलिंग को बांधा हुआ गया है रस्सा को, ऐसे पुली घूम के रस्सा घूम के ऐसे होके ऐसे आया है, ठीक है। ये पुली जो है ऊपर को जाता है, ये पुली एक जगह में घूमता है, ये पुली ऊपर को जाता है, ठीक है। ये माल जो है 100 किलो का है, एक रस्सी है यहाँ पे, एक सीलिंग है यहाँ पे, तो ये कितना का होगा, वहाँ इसमें कितना वजन पड़ेगा, 100 किलो। माल 100 किलो का है, इसमें ये सीलिंग, एक सीलिंग है, इसमें 100 किलो का वजन पड़ेगा। एक सीलिंग, एक 100 किलो को ये दो सीलिंग उठा रहा है, तो दोनों में कितना कितना वजन पड़ेगा, 50-50। 100 किलो माल को दो सीलिंग रुका हुआ, तो 50-50, ये एक में 50 है, एक में 50 है, तो उस तरफ को खींच, उसी को सीलिंग को खींच रहा है, उसी रस्सी को खींच रहा है। तो यहाँ पे इस तरफ 50 था, उस तरफ कितना पर होगा, 50। आदमी कितना के पावर से खींचेगा, 50। 100 किलो का माल उठाने के लिए कितना किलो का वजन यहाँ देना पड़ेगा, 50। कितना है, 100 किलो का माल उठाने के लिए कितना का पावर लगाना पड़ेगा, 50। ये तीसरा अरेंजमेंट, ये क्या है, ये पुली उसी तरह से ऊपर जा रहा है, ये पुली फिक्स है, ठीक है। तो ये 100 किलो का माल है, ये अकेला यहाँ पर सीलिंग है, तो कितना किलो वजन पड़ेगा इसमें, 100 किलो। ये दो सीलिंग, दो रस्सी है, दो या दो सीलिंग है, तो इसमें कितना कितना वजन पड़ेगा, ये 100 किलो, एक सीलिंग था यहाँ पर, दो दो हो गया, तो कितना पड़ेगा एक पे, 50-50। ये वही सीलिंग को एक यहाँ पर 50 था, घूम के गया, उसमें वजन कितना होगा, एक इधर 50 है, तो इसमें कितना होगा, 50 होगा। घूम के गया, इसमें कितना होगा, वह आदमी कितना पावर से खींचेगा, 50 का पावर। तीसरा लास्ट, तो इसमें क्या है, इसमें डबल स्लिप पुली, जैसे ये देखिए यहाँ पे ये डबल स्लिप, ये डबल स्लिप पुली, ये चार बार में रस्सा घुमा हुआ, ये चार रस्सी है इसमें, एक रस्सी, एक इसमें 100 किलो का माल है, 100 किलो का माल को ये चार रस्सी रोका हुआ, एक पे कितना होगा, 25। तो एक ही रस्सी को खींच रहे हैं, एक पे कितना होगा इधर खींचने वाला, 25। तो आदमी कितना के पावर से खींचेगा, 25। तो क्या हुआ, 100 किलो का माल है, अगर डबल स्लिप का दो पुली लगा हुआ है तो पावर कितना देना पड़ेगा, आधे का आधा, ठीक है, 25। उसके बाद सीलिंग, सीलिंग क्या होता है, सीलिंग वायर रोप और सीलिंग में क्या फ़र्क है, वायर रोप जो होता है सिर्फ वायर रोप रहेगा सिंपल, सीलिंग जो होगा उसमें आई बोल्ट, आई दोनों तरफ बना हुआ रहेगा। चौथा, एक नेक्स्ट टॉपिक है चैन ब्लॉक। चैन ब्लॉक कितना से कितना टर्न का चैन ब्लॉक आता है, आधा टर्न से लेके हाफ टर्न से लेके 10 टर्न तक का आता है, ठीक है। इसका हाफ टर्न से लेके 10 टर्न तक का आता है, ठीक है। जब भी चैन ब्लॉक को कहीं पर काम कर रहे हैं, उसको चार चीज़ सेफ्टी चेक करना है। ये सीलिंग जो लगा रहे हैं, जिससे माल उठा रहे हैं, ये इसका सही कैपेसिटी का होना चाहिए, चैन ब्लॉक का चैन घूमना चाहिए, ठीक है। और एंकरिंग जिस पॉइंट पे कर रहे हो, तो एंकरिंग पॉइंट सही होना चाहिए, ठीक है। और क्या है, नेक्स्ट है सीलिंग। सीलिंग जो है उसका सीलिंग का कुछ इस तरह का सीलिंग दिखता है, उसका सेक्शन जो है इस तरह का है, उसके बीच का जो है ना, रस्सा में रोप में बीच में कुछ नहीं रहता, लेकिन सीलिंग में बीच में रहता है, चारों तरफ रहता है। बीच को जो रहता है उसको बोलते हैं कोर, चारों तरफ जो रहता है उसको बोलते हैं स्टैंड। अब पूरा स्टैंड और कोर मूल के जो रहता है उसको बोलते हैं वायर रोप, और जो स्टैंड में एक एक तार रहता है उसको बोलते हैं वायर, ठीक है। और उसका ले जो रहता है, उसका जो पाग और तकुक हुआ जाए, पाग जो रहता है उसका, तो दाहिने तरफ से अगर मुड़ा रहेगा पूरा सीलिंग, उसको बोलते हैं राइट हैंड। अगर लेफ्ट हैंड बाँ पटरू यदि बुलाए या बाँ पटरू को, तो उसको बोलेंगे राइट, लेफ्ट हैंड दाएं तरफ को मुड़ा रहेगा तो राइट हैंड। और क्या है, उसका एक एक ठो स्टैंड और उसका पूरा सीलिंग दोनों का अगर पाग एक ही डायरेक्शन में होगा, उसको बोलते हैं लैंस ले। अगर दोनों का पाग, उसका स्टैंड का और पूरे सीलिंग का अगर पार अलग अपोजिट में होगा, एक का राइट है एक का लेफ्ट है,
तो पूरे स्टैंड का, सारे के सारे स्टैंड का लेफ्ट है और पूरे के पूरे सीलिंग का राइट है, तो उसको रेगुलरली ऐसे ही इन जनरल सबका सारा का सारा रेगुलरली यूज होता है। रेगुलरली का फ़ायदा क्या है कि अगर किसी को माल घुमा झुका घुल झुलाएंगे तो वो क्या है ना, माल घूमेगा नहीं। अगर लेंसले अगर मैं रहेगा तो क्या माल गिर गिर होकर घूमते रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक क्या है, सीलिंग का कैपेसिटी। सीलिंग का कैपेसिटी निकालने का फार्मूला क्या है, उसका डाया को 2 बार गुना करके उसको 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, अगर 10 इंची का माल, 10 mm का, सॉरी, हमेशा जो भी होगा mm में मल्टीप्लाई, mm में ला के उसको मल्टीप्लाई करो। वो हाफ इंची है तो कितना mm होगा, 6 mm। हाफ इंची है तो सॉरी 12 mm, ठीक है। 1 इंची है तो 25 mm, हाफ इंची है तो 12 mm, ठीक है। तो उसी तरह से अगर ये हाफ इंची बोलते हैं तो 12 mm, 12 × 12 144, उसमें 1 सून लगा दीजिएगा, 144 × सून मतलब 1400 किलो। तो 1400 किलो क्या था, 1.4 टन। अगर 10 mm का अगर सीलिंग है तो उसका कैपेसिटी कितना होगा, 10 × 10 100, 10 × 10 100 × 1 सून, 10 मल्टीप्लाई करेंगे तो हो गया 1000। 10 सीलिंग का कैपेसिटी, 10 mm का कैपेसिटी कितना हो गया, 1 टन, 1000 किलो यानी 1 टन। अगर 20 mm का हो तो 20 × 20 उससे 10 गुना करेंगे, ठीक है, 4 टन। 10 mm का है तो 1 टन, 20 mm का है तो 4 टन, ठीक है। इसी तरह से ये इंची और फीट का सिंबल क्या है, डबल गाड़ी है तो उसको बोलेंगे इंच में, अगर सिंगल गाड़ी है तो उसको फुट बोलेंगे। 1 इंची 25.4 mm होता है, लेकिन एक्चुअल में उसको 25 mm बोलते हैं। हाफ इंची 12 mm, ठीक है। ये 4 तरह का माल झुलाने का तरीका है, 3 तरीके का, सॉरी। ये वर्टिकल है पहला वाला, वर्टिकल, दूसरा चोकर, तीसरा बास्केट। सबसे ज़्यादा माल बास्केट में उठेगा, उसके बाद चोकर में, उससे कम वर्टिकल है, यानी सबसे कम वर्टिकल में उठेगा माल, उससे थोड़ा ज़्यादा चोकर में, उससे ज़्यादा माल बास्केट में, है ना। ओके, लास्ट ये क्या है, ये दो दो ऊपर का एक है, नीचे का एक है। ऊपर में क्या है, ये एंगल देके बताया है, ये वाला एंगल, कोना वाला, लेफ्ट कॉर्नर वाला एंगल। जैसे जैसे कॉर्नर का एंगल बढ़ते जाएगा, माल का उठाने का कैपेसिटी घटते जाएगा। यहाँ पे 1000 किलो बढ़ रहा था, यहाँ पर एंगल बढ़ गया 60 किलो, घटते गया। जैसे ये कोना का एंगल घटते गया, माल का उठाने का कैपेसिटी घटते गया। ये 90 डिग्री था, यहाँ पर 60 डिग्री हो गया, तो यहाँ पर 866, यहाँ पर 65 डिग्री हो गया, ठीक है, 45 डिग्री हो गया, सॉरी, यहाँ पर 30 डिग्री हो गया। जैसे जैसे एंगल इसका घटते जाएगा, माल उठाने का कैपेसिटी घटते जाएगा। यहाँ पर क्या है, ई एल एंगल को बताया, ई एल एंगल को, ऊपर के एंगल को, ठीक है। जैसे जैसे ऊपर का एंगल बढ़ते जाएगा, माल बढ़ाने का कैपेसिटी, उठाने का कैपेसिटी घटते जाएगा। ये 60, पहले क्या था, 100 डिग्री, ये 100, 90 डिग्री में क्या था उसका कैपेसिटी, पूरा 100%। जैसे ही उसका 60 डिग्री एंगल हो गया, माल उठाने का कैपेसिटी 85% कम हो गया। जैसे 90 डिग्री हो गया, उसका माल उठाने का कैपेसिटी 70% हो गया। 70% के बाद 90 डिग्री तक का सेफ है, उससे ज़्यादा अगर एंगल बढ़ जाएगा तो डेंजर जोन में पहुंच जाता है। थैंक यू, मैं नेक्स्ट फ्लाइट में इसको फिर से डिस्कस करूँगा।